नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ધ્વનિ। અત્યારે હાલ આપણે સીધા જ જઈએ લોકસભા के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्से नहीं आते आपको? क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दा पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। समय हमारे पार्टी से लिया है और अभी इनका छबी से लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, ये चांद से लेकर सर ये अनाप शराब बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन फोन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली बोला। लोन कौन दिया? लोन कौन दिया? कोई गलत? अरे अधीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए? आपके एसी के ऑफिस से फोन करके लोन दिवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है की हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फौज की चीता हो, ये पूरा फर्ज की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर, आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुँचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग भी हो रहे हैं। ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते संयम रखिए। लेकिन मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप सर। अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती। लोग हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं। अमित शाह जी, कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं? प्लीज कि सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है पंडित देव जी। बोलिए ना सर।
कोई मोशन मूव नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। ही शुड आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज सर बोले, सर बोले, नो नो सर, आप ऋतुराज सिंधिया जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऋतुराज सिंधिया, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं,